अरे मीरब को नहीं कमरे में और दरवाजा भी खुला है, कुछ गई वो? पता नहीं उस्ताद, मैंने तो अपने हाथों से दरवाजा बंद किया था और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। अगर वो वहां से भाग गई है ना, तो याद रखना कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगता है वो छोड़ देगी तुम्हें? मीरब को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? अरे उठा ले फोन, जिम्मल बीबी। हमारा फोन क्यों उठा रहे? डर तो नहीं गई कहीं? हमारा नाम वीराना तनवीर सर, मैं फंसूंगा तो छोड़ूंगा तो तने भी नहीं। उठा ले फोन, अब भी वक्त है, प्लान बना ले कोई हमारे साथ, प्लान बना ले, नहीं तो भागने तो नहीं दूंगा तुम्हें जिम्मल भी। वैसे उस्ताद इतना परेशान क्यों है तू? अरे तने बड़ी फिक्र से हमारी परेशानी की ना, मैं बता दूं कि मैं क्यों परेशान हूं तो कर देगा दूर हमारी परेशानी। बोलना, आई बोलता क्यों नहीं? उस्ताद परेशान साहब, खाम खास सवाल पे सवाल मुंह पे मारे जाएगा, जा दफा जा। बात सुन उरिया, बैठ। वो पुलिस वुलिस आए तो मारा नहीं बताना किसी को, तू जानता है ना, नहीं खाम खा आ जावे अपना काम निकलवाने। हमारा नाम भी तो राणा तनवीर है, वो मजाक नहीं हूं मैं उनके लिए। जो भी आवे आ जावे, राणा यो करवा दे यो करवा दे, दफा कर देना सबको। जी सर। ए बजा, चला जा। जिम्मल बीबी, भागने तो नहीं दूंगा मैं तने, भागने तो नहीं दूंगा। कोई बात कोई, सब खैर करे। सनी पुत्र खैर खरीयत से मीरब के पास पहुंच गया हो, पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे। सनी कुठे से? अरे सांप क्यों सूंघ गया, जवाब दे, कुठे से सनी? वो मुझे क्या पता कहां गया। रजिया, हमारे साथ झूठ बोल लेगी तो अपनी खैर मना लेगी तू? बोल कुठे से जानी? नहीं राणा, मुझे क्या जरूरत है तेरे से झूठ बोलने की, मुझे नहीं पता कहाँ गया है वो। अरे बोल कुठे गया से सनी? वो शहर गया है जी। शहर गया सर, तो फिर ले कुछ बोलना झूठ? क्या वजह थी झूठ बोलने की तने? ऐसे ही मैंने सोचा कि वो बेचारा पहले गरीब है और तू कहीं उसे सर्कस से ना निकाल दे तो वो। बड़ी हमदर्दी से तने गरीब के साथ, कब गया सा वो? वो कल शाम को गया जी। कल शाम को? क्या बात है राणा तनवीर, खैर तो है ना? खैरियत है, खैरियत है, लेकिन एक बात जेन में रख ले कि अगर तूने हमारे से कोई बात छुपाई या कोई झूठ बोला
तो फिर खैरियत को नहीं होनी। वो असर करूंगा थारा के पूरी बस्ती देखेगी। देख रहा ना तनवीर, लड़ मत मुझसे। मैं तो पहले ही दुखों की मारी गरीब औरत हूँ। मैंने तो इसे क्यों झूठ बोलना था भला। अच्छा बस कर दे, बोल ले जावे, बोल ले जावे। या अल्लाह, सनी पुत्र को अपने इज्जत ईमान में रखना और जालमों के शर से महफूज रखना और मीरा बाजी को सही सलामत लेकर वापस आ जाए। उन दोनों को अपने इज्जत ईमान में रखी मेरे मालिक। कोई ना कोई चक्कर तो सह कुठे जा सकेगा। वो नीरव को छुड़ाने में कहीं ये सनी का हाथ तो कोनी? ना ना राणा तनवीर, तैं भी कैसी पागलों की तरह सोचे सा। भला सनी का नीरव के साथ क्या वास्ता? अरे राणा, यो तो तुमने सोचा ही कोनी। यो तो हो सके सा कि सनी का नीरव के साथ कोई वास्ता हो। शक तो मैंने पहले ही था, वो पहले दिन आके हमारे सामने खड़ा हो गया था। कोई बात तो थी ना, कोई तो था उसके पीछे। नीरव भी तो हो सके। अगर तो नीरव को छुड़ाने के पीछे सनी का हाथ है, तो जब तक राणा तनवीर वो हाथ काट नहीं देता, सुकून से नहीं बैठेगा। नीरव, गलतफहमी आ गए। कैसी हो बेटा, तबीयत कैसी अब तुम्हारी? फहमी कहाँ है, आए क्यों नहीं? अब वो भी आ जाएगा। क्यों नहीं आए अब तक? आपने उनको क्या बताया नहीं? कितने परेशान हो रहे होंगे। अब अभी बताए, बुलाए उन्हें? तुम परेशान मत हो, मैं उसे फोन करके बुला लूंगी। तुम कुछ कुछ खाओगे? वो भी बात कराए मेरी, बुलाया आपने अभी। मेरा देखो, कितनी देर से तुमने कुछ नहीं खाया, इससे से तबीयत और ख़राब हो जाएगी। पहले तुम कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हारी फ़ोन पे बात करवा दूंगी उससे, ठीक है? अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कैसे भाग गई वो वहां से? समझ कोनी आई जी कैसे भाग गई। मैं वहां था कोनी उस वक्त। और एक बात है बड़ा सही, वो अकेली नहीं भाग गई, कोई भगा के ले गया उसने। कौन भगा कर ले जा सकता है उसे? यो ही तो समझ ना आवे बड़ा सही, कोई अनजान आदमी तो वहां नहीं जा सकता। जरूर किसी ने मुखबरी करी सर। मुझे मालूम नहीं था राणा तुम इतना कच्चा काम करोगे। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उसके वहां से निकलने के बाद वो हमारे लिए और खतरनाक हो गई है? फिक्र ना करें बड़ा साईं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसने। जहां भी गई होगी ढूंढ के उसने मार दूंगा, आप फिक्र ना करें। Thank you.
क्या कर रही थी तुम वहां? क्या सुनने की कोशिश कर रही थी तुम? कुछ नहीं साईं, मैं तो बस वैसे ही बाहर चली गई थी। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, क्या जानना चाहती हो तुम? बोलो। कुछ नहीं साईं, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना मैंने। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो, आइंदा अगर तुम इस कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझ गई? क्या मीरा भाग गई और तहामी मुल्क से बाहर चला गया? गॉड, अब क्या करेंगी आप? मुझे तो खुद खुद समझ नहीं आ रहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो भाग कैसे सकती है। यकीनन ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानती। वो जैसे भी गई है ना, अब तो भाग गई है वहां से। अब आपको अपने बचाव के लिए कुछ कर लेना चाहिए। मुझे तो लगता है वो बहुत जल्द पुलिस लेके यहाँ पे आ जाएगी और पता नहीं फिर आपका क्या होगा। मुझे पुलिस का डर नहीं है, ये पुलिस वुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे अगर अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मेरा प्लान अधूरा रह गया। ये अच्छा नहीं हुआ ज़िमल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। आपने तो मुझे शादी की तैयारी के लिए बोल दिया था, तहामी मुल्क से बाहर चला गया और आपको किसी बात का पता भी नहीं है। आपका प्लान फिर से नाकाम हो गया। आप तो कह रही थी कि आप उसे मुझसे शादी करने के लिए मना लेंगी, लेकिन क्या हुआ, आपने फिर से मेरा एतमाद तोड़ दिया। जब भी मैंने आप पर एतबार किया, आपने हमेशा मुझे रुसवा किया है। और मुझे मीरब की कोई फिक्र नहीं है, मुझे अपनी फिक्र है। तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना, मैंने अभी हार नहीं मानी है। अब आपके हार मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होगा, खेल तो सारा बिगड़ चुका है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब आप ये सोचें कि आप क्या करेंगे और मेरी फिक्र करना छोड़ दें, आप अपनी फिक्र करें। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब हादी और तिहामी को पता चलेगा कि आपने मीरब को अगवा किया था तो आपका क्या स्टेटस होगा इस घर में, कौन सुनेगा आपकी? बल्कि मुझे तो लगता है ये सब कुछ जाने के बाद हादी आपको इस घर में भी नहीं रखेगा। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा। हादी, हादी, हादी मुझे इस घर से निकालेगा? हादी में इतनी हिम्मत है क्या? वो यूं नाचता है मेरे इशारों पे, औकात क्या है उसकी, जो मैं कहती हूं वो करता है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हादी मुझे इस घर से बाहर निकालेगा? चले मान लेती हूं कि हादी आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरा क्या होगा? मुझे जो आपने ख्वाब दिखाए थे उनका क्या होगा? इस खेल में सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, सिर्फ मेरा। एक बात मैं बता दूं आपको कि मैं जो सोच लेती हूं ना वो मैं करके रहती हूं, और अब जब मैंने सोच लिया है कि मैंने इस घर में आना है तो मैं हर हाल में आऊंगी। समझ आई आपको? ओह माय गॉड, चींटी के भी पर निकला है। वो क्या कहते हैं, मेंढके को भी जुकाम हुआ। क्या बात है, बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। क्या करना होगा,
क्या करोगी सिमल? अब इसका क्या करोगी? काट दूंगी, इसकी भी जुबान काट दूंगी। बस खाला थोड़ा सा और, खाला आखिरी है ये। अच्छा अच्छा, इतनी तो तुम्हें वीकनेस हुई हुई है बेटा, कुछ खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? नहीं खाला, दिल नहीं कर रहा। खाला तिहामी को बुलाए, उनको फोन किया आपने? मैं भी कर देती हूँ उसे फोन। क्यों फोन नहीं कर रही आपने? हाँ क्या बात है खाला, आप चुप क्यों हैं? कुछ बता क्यों नहीं रही आप? कुछ छुपा रही हैं आप मुझसे? नहीं नहीं, तुमसे क्या छुपाने मैंने? क्या हमें बहुत परेशान हुए होंगे ना मेरे लिए, बार बार आपके पास आते होंगे मेरा पूछने के लिए, बहुत तंग किया होगा आपको। बहुत फिक्र में होंगे ना, मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की होगी उन्होंने। हाँ बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा तुमने। मैं जानती हूँ खाला, मुझसे ज्यादा तो वो तकलीफ में रहे होंगे। प्लीज मेरी बात करा दे उनसे, मुझे दे, मैं फोन करती हूँ। अच्छा अलग, तिहामी का नंबर तो बन जा रहा है। हाँ मैंने भी किया था फोन, तो ऑफ ही जा रहा था। मेरे पास उनके ऑफिस का नंबर है, मैं उस पर डायल करके पूछती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस तिहामी बात कर रही हूँ। तिहामी साहब सीट पे बैठे हैं, अभी बात हो सकती है क्या? चले गए, बाहर चले गए? ओके मैं जी, थैंक यू। ये कह रहे हैं खाला कि तिहामी मुल्क से बाहर चले गए, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुझे छोड़ के तो नहीं जा सकते इस हाल में? हाँ ये जरूर जमल की कोई चाल होगी, उसने कहा होगा इन लोगों को इस तरह कहने के लिए। को बताया था ना मैंने, वो बहुत ही घटिया औरत है, बहुत ही गिरी भी औरत है। बेटा तुम खुद को संभालो, पहले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मत परेशान हो, वो किसी काम से गया होगा, आ जाएगा वापस। मैं ठीक हूँ खाला, बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरे लिए परेशान ना हो। देखो अगर तुम चाहती हो ना कि मैं परेशान ना हो, तो प्लीज खुद को ठीक रखो, ऐसे मत परेशान हो बेटा। इस वक्त हर सोच अपने दिमाग से निकाल दो, सिर्फ अपना ख्याल रखो अच्छा, और अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। बस ये कहना चाहती हूँ कि जब हादी और तिहामी को पता चलेगा कि आपने मीरब को अगवा किया था, तो आपका क्या स्टेटस होगा इस घर में?
कौन सुनेगा आपकी? बल्कि मुझे तो लगता है ये सब कुछ जाने के बाद हादी आपको इस घर में भी नहीं रखे। जमल, तुम्हारी सजल के साथ लड़ाई हुई है? मेरा उसका क्या मुकाबला? मैं क्यों झगड़ूंगी उससे? नहीं, उसका मूड ऑफ था इसलिए पूछ रहा था। ओह, आपको उसके मूड की बहुत परवाह है? उसका मूड ऑफ हो या ऑन, हु केयर्स, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। ये तू क्या कह रही है आशी पुत्र? मैं सच कह रही हूँ वाला। वैसे भी वो कौन सा मेरी सगी माँ थी? वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे तुम्हारी बातें सुनके। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आ रही हूँ रेडी होके। पागल हो गई हो यार, मेरी ऑफिशियल मीटिंग है, तुम वहाँ जाके क्या करोगी? Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.